और भाई आज से अपनी सोयाबीन की बोनी फिर से चालू हो चुकी है और जो गैप पड़ा तो हेलो गाइस, एक और आ चुके अपने एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम भाइयों अपने जो घर का खेत है उस खेत में जाने वाले और देखने के लिए सोयाबीन कितनी बड़ी हो गई है। कम से कम 8-1 दिन हो गए भाइयों सोयाबीन बोने के वक्त। भाइयों गुरुवार को सोयाबीन की बोनी की थी गुरुवार को, और 8-1 दिन हो चुके हैं। और अभी तो हम देखने के लिए जाने वाले मोटरसाइकिल पे जाने वाले भाइयों। और कल भाइयों बारिश हो गई पर इतनी भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा है, वो दिखाता हूँ भाई अगला कैमरे ला के। और देख सकते हो भाइयों इतना सही, कम से कम दो और नीचे के खेत में जाते, उस खेत की क्या स्थिति वो देखते पहले। भाइयों इस खेत में तो बहुत ही बड़े सोयाबीन उग चुकी है, और नीचे के खेत में देखते हैं भाइयों। देख सकते हो भाई सातवां दिन रहेगा भाइयों। और अपना ये सातवां दिन रहेगा, और भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से सोयाबीन उग चुकी और थोड़ी बाकी है भाइयों उगने की। ऐसे देख सकते हो भाइयों बीच बीच में थोड़ी सी बाकी है। और नीचे के खेत में जाते हैं भाइयों। फर्स्ट इस एरिया में भाइयों फर्स्ट टाइम अपनी बोनी हो चुकी थी, और अभी भाइयों इस जगह पे बारिश है वो भी कम है। कई कई किसान अभी बो रहे हैं सोयाबीन, और कई किसानों ने जब हमने बोनी की थी उसके बाद बोने के लिए शुरुआत हो चुकी थी। और देख सकते हो इस खेत की स्थिति। और ये खेत भी भाइयों बढ़िया है, इसमें भी भाइयों जो सोयाबीन है कुछ सोयाबीन उग चुकी है और कुछ भाइयों उगने की। ये देख सकते हो भाइयों कुछ सोयाबीन उगने की उग रही है भाइयों, अभी सोयाबीन कुछ सोयाबीन उग चुकी है। और ऐसी कुछ अपने यहाँ स्थिति है, फर्स्ट टाइम अपने जगह पे सोयाबीन की बोनी शुरुआत की थी भाइयों। उसके बाद किसान लोगों ने भाइयों जो अपने पड़ोसी हुए उन्होंने शुरुआत की। और इस जो भाइयों ये एक ये वाप है भाइयों, इसमें भाइयों सोयाबीन अच्छी तरीके से उग चुकी है, देख सकते हो आप। और इस जगह पे भाइयों बहुत ही बढ़िया सोयाबीन है। फर्स्ट स्टार्टिंग भाइयों ये छठवा दिन होगा, सातवां दिन, और बहुत अच्छी तरीके से सोयाबीन उग चुकी है। और भाइयों जो अपने चारा है अलग दूसरा चारा भाइयों वो भी थोड़ी थोड़ी सा उग चुका है। उस पर भी जब सोयाबीन 21 दिन की होगी तब दवाई करने वाले भाइयों तन्नाशक दवाई का छिड़काव करेंगे उसके बाद। और जो अपनी पड़ोसी की सोयाबीन है वो देख सकते हो भाई आप। भाई ये सोयाबीन होगी भाइयों चार पाँच दिन की सोयाबीन होगी भाई, 2-3 या 4 दिन की।
और भाई आज आज से अपनी सोयाबीन की बोनी फिर से चालू हो चुकी है। और जो गैप पड़ा था वो बारिश की वजह से पड़ा था, क्योंकि भाई बारिश नहीं गिर रही थी इसलिए। और अब से बारिश चालू हो चुकी है, इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन अपने सोयाबीन का काम, सोयाबीन बोने का काम शुरू हो चुका है। दोरा भाई अभी खेत में पहुंचे और अभी बीज डालने की प्रक्रिया चली। और अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों ईगल का ही बीज ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि भाइयों कम पानी में भाइयों ये बीज आता है, सोयाबीन कम पानी में आती है, और इसलिए भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा ईगल का ही बीज यूज करते हैं अपने यहाँ। चलो अभी बीज डालने की भाइयों प्रक्रिया चालू है, और बीज डाल के हम सीधा भाइयों खेत में सोयाबीन बोने के लिए ट्रैक्टर चालू करेंगे।